को पार्ड बाय अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पे घल जाए। तो आज सबसे पहले फिक्र का फोकस एक ऐसी खबर पर है जो हमें, आपको, इस देश को बहुत सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या आपने कभी रॉन्ग साइड टेररिज्म के बारे में सुना है? यह ऐसा आतंकवाद है जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है, हाईवे नहीं है, जहां कोई आतंकी नहीं है, लेकिन रॉन्ग साइड से आ रही कार किसी गोली के समान है और जिसमें सवार हथियारे चुल्लू भर पेट्रोल बचाने के चक्कर में हर दिन हजारों लोगों की जान ले रहे हैं और फिर आसानी से छूट भी जा रहे हैं। हम यहां बात कर रहे हैं गुरुग्राम में हुए एक रॉन्ग साइड रोड एक्सीडेंट की, जिसमें 23 वर्ष के अक्षत गर्ग की दर्दनाक मौत हो गई और रॉन्ग साइड से आ रही एक्सयूवी के आरोपी मालिक पर हत्या तो छोड़िए, गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज नहीं हुआ है। उल्टे गुरुग्राम की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते ही फौरन जमानत भी दे दी। हमारा दावा है कि आपने इस एक्सीडेंट के वायरल वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा ही देखा होगा, लेकिन इसका सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शायद आपने नहीं देखा होगा। सबसे पहले आपको 12 सेकंड का पहला हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें अक्षत 15 सितंबर को साइबर सिटी से पेट्रोल भरवाकर अपने दोस्तों के साथ एम्बियंस मॉल की ओर जा रहा था, लेकिन फ्लाईओवर से उतरते ही उसका सामना रॉन्ग साइड से आ रही एक्सयूवी से में सवार चलते फिरते यमदूत कुलदीप ठाकुर से हो जाता है। अक्षत की बाइक आरोपी की कार से जोर से टकरा जाती है। अक्षत हवा में काफी ऊपर उछलकर जमीन पर गिर जाता है। यह पूरा मंजर अक्षत के ठीक पीछे दूसरी बाइक से आ रहे उसके दोस्त प्रद्युमन के हेलमेट में लगे गोप्रो में रिकॉर्ड हो जाता है। आपने ये वीडियो ध्यान से देखा, मैं चाहूंगा एक बार फिर से प्ले करिए। अगर प्रद्युमन, उनका नाम प्रद्युमन, अगर प्रद्युमन की बाइक आगे होती अक्षत से, तो हो सकता है ये जो गाड़ी के बगल में गिरा हुआ इंसान है वो अक्षत नहीं प्रद्युमन होता। ये गाड़ी किसी को भी अपना शिकार कर सकती थी क्योंकि ये रॉन्ग साइड पे खड़ी। अब इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए। अक्षत सड़क किनारे जमीन पर पड़ा है, उसे टक्कर मारने वाली एक्सयूवी बगल में खड़ी है। उसके दोस्त भागकर अक्षत के पास आते हैं, जोर जोर से उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन वो कोई हरकत नहीं करता। उसके दोस्त बेचैन और परेशान दिख रहे हैं। इतनी देर में आरोपी कुलदीप ठाकुर भी अपनी कार से उतरकर इन लोगों के पास आ जाता है। दोस्त जोर जोर से कहते हैं कि अक्षत घबराना मत, मैं हूं। उसके दोस्त आरोपी कुलदीप ठाकुर से मौके पर ही सवाल करते हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ी क्यों लेकर आ रहा था? जवाब में वो अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द कहता है, सॉरी। सोचिए, इस जुर्म का जवाब सिर्फ एक शब्द सॉरी है। ये जो शख्स है जिसकी ये गाड़ी है वो सारे रूल्स तोड़ रहा है, हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन ट्रैफिक का एक और रूल है, इसने बम्पर प्रोटेक्टर भी लगवा रखे हैं जो कि अलाउड नहीं। सोचिए जरा, अक्षत को इसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सोच कर देखिए कि आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं, सभी नियम कानून का पालन करके सही लेन में गाड़ी चला रहे हैं, तभी अचानक से कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से आकर आपको टक्कर मार दे तो क्या होगा? यकीन मानिए कुछ कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है। पिछले हफ्ते जमकर नोएडा में बारिश हो रही थी, एक फ्लाईओवर से मैं निकल रहा था, रॉन्ग साइड से एक ऑल्टो कार आ रही थी और गाड़ी में बैठा शख्स न सिर्फ रॉन्ग साइड से आ रहा था बल्कि फोन पर भी बात कर रहा था, और जब मैंने उसको देखा तो वो अंदर से अपनी दबंगई दिखा रहा था। अक्षत की जगह कोई भी हो सकता था। आज बहुत से लोग इस वीडियो को देखने के बाद यही पूछ रहे हैं, आखिर क्यों ना इसे जान पूछ कर की गई हत्या माना जाए, क्यों ना कार सवार कुलदीप ठाकुर को हत्यारे के रूप में और स्टीयरिंग को एक बंदूक के तौर पर देखा जाए जिसने आज एक घर का चिराग बुझा दिया है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि अब वो जमानत पर बाहर है। हो सकता है कि वो भी इस खबर को देखने के बाद देश के कानून और कमजोर सिस्टम के बारे में सोचकर हंस रहा हो। वो ये अट्टहास कर सकता है क्योंकि आरोपी कुलदीप ठाकुर रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामले में सीरियल ऑफेंडर है, पहले भी उसके कई चालान कट चुके हैं। ये चालान रॉन्ग साइड ड्राइविंग और गलत जगह पार्किंग करने पर काटे गए हैं। पिछले महीने ही 24 अगस्त को हरियाणा में कुलदीप का रॉन्ग साइड ड्राइविंग का एक चालान कटा था। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि उसने एक युवक की जान ले ली है। वैसे आप शायद जानते होंगे
कि इस देश में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर कितने रुपए का जुर्माना है। ये राशि आमतौर पर 500 रुपए और 1,000 रुपए से होते हुए 10,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा बार बार अपराध करने पर जेल और ड्राइवर का लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिया जाता है। लाइसेंस, ध्यान से सुनिएगा ये शब्द। लेकिन गुरुग्राम वाले केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही, आरोपी कुलदीप ठाकुर का लाइसेंस ही चेक किए बगैर उसे जमानत दे दी गई। पुलिस ने बाद में माना कि उसके पास लाइसेंस नहीं था। अब उस पर बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने की धाराएं भी जुड़ चुकी होंगी। लेकिन पहले जब गिरफ्तारी हुई थी तब कौन कौन सी धाराएं लगी थी ये सुनिए। धारा 106 लापरवाही से मौत का कारण, धारा 281 तेज गाड़ी चलाना, धारा 324-4 शरारत के कारण 20,000 रुपए से अधिक की क्षति, धारा 166 मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजा। आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का केस क्यों दर्ज नहीं हुआ? तो जवाब में गुरुग्राम के ACP विकास कौशिक ने साफ कहा कि पुलिस को फिलहाल यह केस गैर इरादतन हत्या का नहीं लग रहा है। यानी अक्षत के परिवार ने अपना जवान बेटा खो दिया और पुलिस ने इसे बस एक मामूली रोड एक्सीडेंट माना। इससे आरोपी कुलदीप की मानसिकता पर क्या फर्क पड़ेगा यह भी सुनिए। वो आगे भी ऐसे ही कानून का मजाक बनाएगा क्योंकि उसे पता है कि उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सॉरी कह के चलता बनेगा। वो भविष्य में भी अपनी कार को ऐसे ही लापरवाही से चला सकता है, कहीं भी किसी भी व्यक्ति की जीवन रेखा को मिटा देगा क्योंकि उसे मालूम है कि किसी की जान लेने के बाद भी वो आसानी से छूट जाएगा। सुबह 6 बजे द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से MBP रोड की तरफ से एक बाइक पे मृतक अक्षत है वो जा रहे थे, तो सामने से क्रॉस साइड से XUV 300 गाड़ी थी जिससे टकराने से उनकी मृत्यु हुई। ठीक इसी जगह पर रोड साइड से आ रही SUV कार से उसकी बाइक टकरा गई जिसके चलते अक्षत की मौत हो गई। थाने के अंदर खड़ी ये अक्षत की बाइक आपको नजर आएगी जो कि पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। गाड़ी किस कंपनी की थी ये तक बताना बहुत ही मुश्किल है। देख सकते हैं कि जब वो बाइक आई थी तो ये जो कार है इसके आगे के हिस्से पर टकरा गई थी और ये हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। मुझे इससे कुछ नहीं है, क्यों उसको छोड़ा गया, मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया उसको, क्यों छोड़ा गया कि भाई मेरा बच्चा चला गया, लेकिन वो आराम से सोया है उस रात, वो आराम से सोया, क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा, बस मुझे यही बोलना है। इस तरीके के जो मुकदमे पहले भी होते रहे हैं, जो घटनाएं पहले भी होती रही हैं, उनमें जिस तरीके से कार्रवाई हम लोग करते हैं SOP के तहत, उसी तरीके की कार्रवाई इसमें भी की गई है। बहुत अफसोस की बात यह है कि इस देश में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने को शान समझा जाता है और इससे हासिल क्या होता है? थोड़ा सा पेट्रोल बच जाता है, चंद मिनट की बचत हो जाती है, लेकिन रॉन्ग साइड ड्राइविंग से किसी की जान भी जा सकती है। फिर भी लोग गलत दिशा में गाड़ी चलाने के बहाने क्या बनाते हैं? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जल्दी में हो, कौन इतना लंबा यू-टर्न लेगा, बस थोड़ी ही दूर तो रॉन्ग साइड जाना है। कुछ लोग दूसरों को देखकर गलत दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि जब बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके अकेले नियम पालन करने से क्या हो जाएगा, थोड़ा तेल और समय बच जाता है। और कई बार गलत दिशा में गाड़ी चलाने का यह भी तर्क देते हैं कि सुबह सुबह सड़क खाली है, लेकिन यही बहाने हर दिन सड़क पर लोगों की जान ले रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर घंटे सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत होती है। इनमें से 60% से ज्यादा मौतें ओवर स्पीड यानी ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाने की वजह से होती हैं। रैश ड्राइविंग और गलत तरीके से ओवरटेक करने जैसी गलतियों को जोड़ दिया जाए तो औसतन 20-25% मौतें इसी लापरवाही से होती हैं। 6% मौतें रॉन्ग साइड ड्राइविंग में होती हैं। यह भी नोट करने वाली बात है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के जितने मामले होते हैं उनका 20% हिस्सा रॉन्ग साइड ड्राइविंग का होता है, लेकिन गलत दिशा में गाड़ी चलाने से जो हादसे होते हैं उन्हें किसी भी हाल में
हादसा नहीं कहा जा सकता है, ये एक तरह की हत्या है। और भारत में हर साल बहुत बड़ी संख्या में ऐसी हत्याएं हो रही हैं। साल 2018 में भारत में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से जो हादसे हुए उनमें 8,764 लोगों की मौत हुई। साल 2019 में 9,200 लोगों ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से अपनी जान गंवा दी। इसी तरह वर्ष 2020 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चलते इस देश में 7,332 लोगों की मौत हुई, जबकि 2021 में गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले लोगों ने 8,122 लोगों को मार दिया। इसके अलावा वर्ष 2022 में ऐसे हादसों की संख्या 9,094 थी। सोचिए जरा। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र में अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां तेज हो रही हैं। बीते 3 दिनों के भीतर 4 जिलों में धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी और उपद्रव की घटनाएं हो चुकी हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का है, जहां बीती शाम ईद उल मिलाद नबी के जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच जमकर पथराव होता है। पथराव के बाद हालात बेकाबू हो जाते हैं, दोनों गुट आमने सामने आ गए। इलाके में हिंसा, उपद्रव और आगजनी शुरू हो गई। हिंसा वाली घटना के अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सारे वीडियोज को मिलाकर और घटनाक्रम का विश्लेषण कर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की, जो साजिश के पत्थर फेंकने वालों को बेनकाब करती है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो, सड़कों पर पड़े पत्थर और जलते हुए मकान हिंसा की भयावहता बयां कर रहे हैं। इलाके में सैकड़ों पुलिस वालों की गश्त बताती है कि तनाव कितना है। नंदूरबार में फेंके गए साजिश वाले पत्थरों के कुछ वीडियो भी वायरल। एक वीडियो में गली के अंदर दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती दिख रही है। दो गुट एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। दूसरा वीडियो ईद उल मिलाद वाले जुलूस के समय का है, जब पत्थरबाजी की शुरुआत हुई। गुरुवार शाम जैसे ही ईद उल मिलाद नबी का जुलूस नंदूरबार के मालीवाड़ा इलाके में पहुंचा, दो समुदायों के बीच पथराव शुरू हो गया। पथराव की शुरुआत किस तरफ से हुई ये अब तक साफ नहीं है। पथराव के बाद हालात बिगड़ते चले गए। उपद्रवियों ने घरों, दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की। जिले के एसपी समेत पुलिस की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात को काबू में करने की कोशिश की। दे, 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 दे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो के आधार पर अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 109 लोगों की शिनाख्त हुई है, 54 लोग अब तक फरार हैं। पुलिस की जानकारी के मुताबिक करीब 200 लोगों की पहचान कर रिकॉर्ड में लाया जा रहा है। पत्थरबाजी में 21 पुलिसकर्मी और कुछ आम नागरिक भी घायल हुए हैं। दो समाजों के बीच में जो तनाव का परिस्थिति निर्माण हुआ, उसके हवाले से जो घटना सामने आई और कायदा व स्वच्छता का प्रश्न निर्माण हुआ, इसके अंतर्गत गुना दर्ज किया गया है। अभी तक 55 एक्यूज को हमने हिरासत में लिया है। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। वैसे महाराष्ट्र में बीते 3 दिनों में 4 धार्मिक जुलूसों पर पथराव हो चुका है। 17 सितंबर को बुलढाणा और ठाणे में गणेश विसर्जन के जुलूसों पर पथराव हुआ। 18 सितंबर को अकोला में गणेश विसर्जन यात्रा पर अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके। सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष। चूंकि महाराष्ट्र में मौसम चुनावी है, ऐसे में हिंदू मुस्लिम वाली आग पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी फाइट चल रही है। बहुत जगह जानबूझ के कोई वातावरण निर्मिति का प्रयोग कुछ लोग कर रहे हैं और जानबूझ के फिरका परस्त ताकत दो
कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि कुछ जगह तनाव निर्माण हो रहा है, जो चुनावी चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के लिए कुछ लोग प्रयास में हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था कहाँ बची है तो उनको पता है, तो विभाजन कर कर हम लोग सत्ता में आ सकते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। ये विपक्ष के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं, कोई और नहीं है। इन लोगों ने तय कर लिया है कि आइए दंगा फसाद करवाते हैं, नफरत फैलाते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं, हिंसा करवाते हैं। ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं। भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है, ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुकी। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज हमारी इस फाइल में तीन राज्य हैं, माहौल चुनावी है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम तक सियासी हलचल बहुत तेज है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा की। यूपी में योगी बनाम अखिलेश वाला राउंड हर दिन नए अपडेट दे रहा है। यूपी में रोटी और जूस वाला क्या मसला है, इसे समझेंगे। महाराष्ट्र में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं, बीजेपी का प्लान क्या है इसे डिकोड करेंगे। वहीं हरियाणा के चुनावी दंगल में सुबह सुबह राहुल गांधी ने सरप्राइज एंट्री मारी है, फिर क्या हुआ ये भी देखेंगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश से, जहां पिछले 48 घंटे से माफिया वर्सेस मठाधीश वाले बयान पर सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भिड़े हुए हैं। माफिया बनाम मठाधीश में आज के राउंड की शुरुआत दोपहर करीब 12 बजे अखिलेश यादव ने की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भाषा से पहचानिए असली साधु संत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। इस बार अखिलेश यादव की पोस्ट में सफाई झलक रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं है, अब उन्हें संतों की नाराजगी का भान हुआ, तो साधु संतों के प्रति श्रद्धा जाहिर करते हुए यह नई पोस्ट लिखी। अखिलेश यादव की इस पोस्ट के बाद आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने अखिलेश यादव के माफिया और मठाधीश वाले बयान को साधु संतों के अपमान से जोड़ दिया और दोपहर 1:30 बजे केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपकी बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज का ही नहीं, प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है, ऐसे बयान के लिए आप सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। केशव मौर्य को जवाब अखिलेश यादव ने तो नहीं लेकिन उनकी पार्टी ने दोपहर 3:30 बजे दिया, आपका मानसून ऑफर समाप्त हो चुका है, अपने 100 से अधिक विधायक जुटाने का भरसक प्रयत्न किया मगर आप जुटा नहीं सके, इसलिए आपका ऑफर भी खत्म हो चुका है और आपके दल में खटमल तक का जिक्र हो गया। मतलब समाजवादी पार्टी ने माफिया वर्सेस मठाधीश की लड़ाई में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई को एक बार फिर से उछाल दिया। आज की तारीख में जैसे माफिया वर्सेस मठाधीश की चर्चा है, कुछ हफ्ते पहले यूपी की सियासत में मानसून ऑफर की भी खूब चर्चा हुई। हमारे कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखंडी जी की टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हम सबको पूजने मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। देखिए, वो जब संतों का अपमान करते हैं तो वो एक संत का नहीं होता, वो एक एक संत का होता है, पूरे समाज का अपमान होता है। जब से श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस के दरबारी बने हैं तब से इस प्रकार के उल्टे सीधे वो बयान देते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी बनने का कारण वह स्वयं बनेंगे। पहले बयान और फिर सोशल मीडिया पर जारी जंग के बीच गुरुवार को थूक वाली रोटी की एंट्री होती है। सीएम योगी ने कल गोरखपुर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान भोजन की शुद्धता को लेकर उन्होंने कहा उस पर सियासत शुरू हो गई। उनकी बात सुनिए। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना,
या आप थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, आपको शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पिछले हफ्ते गाजियाबाद और सहारनपुर में हुई घटनाओं को लेकर थी। वैसे खानपान की शुद्धता तय करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। सवाल करने वाले ये पूछ सकते हैं कि खाद्य विभाग और प्रशासनिक अफसरों के रहते अशुद्ध भोजन कैसे बिक रहा था। हालांकि ये जरूर है कि जब मामला सामने आया तो कार्रवाई की गई। ओए, जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। तेरी पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां विदर्भ में आज प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना के एक साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने इस योजना के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट बांटे। इसके बाद कांग्रेस पर खूब हमले किए गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी होने वाला है। ऐसे में सियासी तपिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है, कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग चला रहा है, देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कांग्रेस का शाही परिवार है, कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। कांग्रेस पर पीएम के हमले को आप चौतरफा अटैक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक चार तरह की सियासी थीम है। अब आपको उनके भाषण के चुनिंदा अंश सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के विदर्भ जाने का मतलब क्या है, वहां योजनाओं के शिलान्यास के मायने क्या है। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। एक महीने में तीसरी बार है जब पीएम ने महाराष्ट्र का दौरा किया। पीएम विदर्भ रीजन के वर्धा और अमरावती पहुंचे। कहा जाता है कि जिसने विदर्भ जीत लिया वो महाराष्ट्र जीत गया। ऐसे में पीएम का विदर्भ दौरा महाराष्ट्र चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, इनमें 62 सीटें विदर्भ से आती हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 44 सीटें आई थी, हालांकि 2019 में आंकड़ा घटकर 29 हो गया। फिर भी इस रीजन में नंबर वन पार्टी रही। अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो राज्य की 48 सीटों में 10 इसी इलाके में। 2014 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की 10 की 10 सीटें जीत गई थी। 2019 में 9 सीटों पर कब्जा रहा, लेकिन 2024 के चुनाव में गठबंधन का समीकरण बदला तो नतीजे भी बदल गए। इस बार विपक्षी गठबंधन यहां 7 सीटें जीत गया तो बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2019 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना एनडीए में थी, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ है। पीएम मोदी विदर्भ की चुनावी लड़ाई को अच्छी तरह समझते हैं, शायद इसीलिए वो विकास योजनाओं के सहारे क्षेत्र को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने आज अमरावती में यहां के किसानों के लिए कपड़ा उद्योग से जुड़े पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी, जिससे यहां के कपास किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कपास और सोयाबीन इस इलाके की मुख्य फसल है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों ने विदर्भ में बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ा दी तो कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण जगा दी। इस रीजन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता आया है। बीजेपी के लिए विदर्भ किस तरह से प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर इसी रीजन में है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष विदर्भ से ही आते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र का यह किला बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी के चुनावी एक्शन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह सुबह अचानक चुनावी राज्य हरियाणा के करनाल पहुंचे। उनकी यह सरप्राइज विजिट वैसे तो गैर राजनीतिक थी, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, उसकी हर विजिट में राजनीति के
गुणसूत्र ढूंढने का चलन है। खैर, यहां उन्होंने अमित कुमार के परिवार से मुलाकात की, जिससे वो अमेरिका दौरे में मिले थे। अमित अमेरिका में ट्रक ड्राइवर हैं और एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में अमित से कहा था कि जब वो भारत जाएंगे तो उनके परिवार से मिलने जाएंगे। आज वो उसी वादे को पूरा करने करनाल के घोगड़ीपुर गांव में पहुंचे, जहां उनके परिवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अमित को वीडियो कॉल किया और परिवार की बात कराई। राहुल गांधी को लोगों ने बताया कि अमित करीब 1.5 वर्ष पहले जमीन बेचकर डंकी रूट के जरिए अमेरिका गया था, जहां वो ट्रक ड्राइवर है। वैसे राहुल गांधी के दौरे के बारे में ना तो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को सूचना थी, ना पुलिस प्रशासन को। सुबह अचानक आए, पहले तो सिक्योरिटी आई, फिर बाद में वो आ गए, 1.5 घंटे के करीब यहाँ बैठ कर गए। बैठाया हमने कोई पता नहीं था, हम आगे दुख भगी कहानी सारी उन्हें सुनी, जड़ में बैठ कर बड़े प्यार था। फिर उन्हें ये कही अका हमें जरूर कुछ न कुछ सागा लावेंगे, मदद करेंगे। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। और फिक्र में अब बात अमेरिका में होने वाले क्वाड समिट की। कुछ घंटों में पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। क्वाड समिट में भारत, अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हिस्सा लेंगे, लेकिन पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा का क्रेज अभी से देखने को मिल रहा है। एक तरफ ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी की इस यात्रा को पर्सनल टच देना चाहते हैं। बाइडेन लेक हाउस के नाम से मशहूर अपने घर को पीएम मोदी को दिखाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बाइडेन पीएम मोदी को अपने करियर में आए कुछ अहम पड़ावों के बारे में भी बताना चाहते हैं। बाइडेन ने आर्चमेयर एकेडमी के अपने स्कूल में पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज और जापान के पीएम फुमियो किशिदा के लिए प्राइवेट डिनर रखा है। ये पहली बार है जब बाइडेन ने किसी विदेश नेता को अपने होम टाउन में आधिकारिक यात्रा के लिए बुलाया है। जब बाइडेन के घर में क्वाड समिट चल रही होगी तो चीन की भी उस पर लगातार नजर होगी, क्योंकि क्वाड का गठन ही चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया और क्वाड समिट से पहले चीन से चौंकाने वाले रुझान आ रहे हैं। इसकी वजह है चीन के राजदूत ने भारत की जमकर तारीफ की है। भारत में चीन के राजदूत शू फी होंग ने प्रधानमंत्री मोदी की सुधार और परिवर्तन की नीतियों की जमकर तारीफ की है। शू फी होंग ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने तेजी से विकास किया और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति को आगे बढ़ाया है। आमतौर पर इससे पहले पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर चीन अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए एतराज करता था, लेकिन इस बार क्वाड समिट से पहले चीन का भारत की तारीफ करना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इसमें भी पीएम मोदी की वो विदेश नीति है जिसका हर कोई ख्याल है। वैसे एक तरफ बाइडेन पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और कमला हैरिस के सपोर्टर्स को भी पीएम मोदी का इंतजार है। 48 लाख भारतीय मूल की आबादी वाले अमेरिका में डेमोक्रेट्स हों या फिर रिपब्लिकन्स हों, सब लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका में बसे भारतीय भी काफी उत्साहित हैं। मोदी 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 स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। वेरी एक्साइटेड एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद नमस्ते मोदी जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू इन यूएसए इन न्यूयॉर्क सिटी। हर हर महादेव मोदी जी, वी आर रियली एक्साइटेड कि आप यूएस आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी मैं आपसे वॉशिंगटन डीसी में मिला था और इस बार आपका स्वागत फिर से हम लोग लॉग हैंडल में करने जा रहे हैं। एक तरफ चुनाव से पहले अमेरिका में पीएम मोदी की मौजूदगी को ट्रंप और हैरिस के सपोर्टर्स अपने चुनावी हितों से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के गृह युद्ध की आग में धधकने के संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिका में चुनाव से ठीक 2 महीने पहले लाखों बंदूकें बिक चुकी हैं, लाखों
हाथों तक ये खतरनाक हथियार पहुंच चुके हैं। कभी भी गोली चल सकती है, सड़कें खून से लाल हो सकती हैं और बंदूक से निकलने वाली गोली पर किसी का भी नाम हो सकता है। और अब तो गृह युद्ध की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अमेरिका में अगस्त से अब तक हथियारों की बिक्री में 60% का इजाफा आया है। ये मामूली आंकड़ा नहीं है। अमेरिका के इतिहास में एक साथ कभी भी इतने लोगों ने हथियार नहीं खरीदे हैं। अमेरिका में टेक्सस की बेलोर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जाने माने मिलिट्री एक्सपर्ट पीटर कैम्बल ने चौंकाने वाला दावा किया है। पीटर कैम्बल के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वक्त सिविल वॉर छिड़ सकता है। अमेरिका चुनाव के बाद ऐसे दो टुकड़ों में बटेगा जिसमें लाखों लोगों का खून बहेगा। अमेरिका में चुनाव नतीजे आते ही चारों तरफ दंगे होंगे। पीटर कैम्बल के मुताबिक राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप और हैरिस दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। किसी एक उम्मीदवार की जीत पर दूसरे के समर्थक हिंसा पर उतर आएंगे, ऐसा हो सकता है। अमेरिका में ऐसे हालात बन सकते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकेगा। पीटर कैम्बल ने चेतावनी दी है कि मौजूदा वक्त में हथियारों की रिकॉर्ड बिक्री गृह युद्ध का संकेत रही है। मिलिट्री एक्सपर्ट पीटर कैम्बल का यह दावा है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। यानी अमेरिका का यही गन कल्चर अमेरिका के विनाश की बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि अमेरिका में बच्चा बच्चा हाथों में हथियार लेकर घूमने की ख्वाहिश रखने लगा है और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। एनबीसी न्यूज के पोल के मुताबिक आधे से ज्यादा अमेरिकी वोटर्स के पास हथियार हैं। अमेरिका में 52% लोगों ने कहा है कि उनके पास हथियार हैं। इसके अलावा स्मॉल आर्म नाम की एक संस्था ने सर्वे किया था, उसके मुताबिक अमेरिका की आबादी 34 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अमेरिका में लोगों के पास 39 करोड़ से ज्यादा हथियार है। यानी कई अमेरिकी अपने पास एक से ज्यादा हथियार रखते हैं। अमेरिका की आबादी दुनिया की आबादी का 4% है, लेकिन अमेरिका में नागरिकों के पास दुनिया के 40% हथियार मौजूद हैं। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में हुए शूटआउट में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ध्यान दीजिएगा, जो गन भारत में आतंकवाद का प्रतीक है, अगर किसी के पास है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी धाराएं लग सकती हैं, क्योंकि वो सिर्फ आर्मी के पास हो सकती है। AK-47 वो डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास चलाई गई थी। खैर, अमेरिका का जो गन कानून है वो एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका में हथियार रखने की न्यूनतम वर्ष उम्र जो है वो 18 वर्ष है। अमेरिका में 230 वर्ष बाद भी अपने गन कल्चर को ख़त्म नहीं कर पाया। इसकी दो वजह हैं। पहली, कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों से लेकर वहां के राज्यों के गवर्नर तक इस कल्चर को बनाए रखने की वकालत करते रहे हैं। दूसरी वजह है गन बनाने वाली कंपनियां यानी गन लॉबी भी इस कल्चर के बने रहने की प्रमुख वजह है। यही वजह है कि अमेरिका में मिल्क बूथ से लेकर छोटी छोटी दुकानों तक में गन मिल जाती है। और बड़ी बात क्या है, अमेरिका में गन कल्चर की बड़ी वजह है वहां का अमेंडमेंट जो कि आत्मरक्षा की वकालत करता है, जिसके लिए गन की जरूरत पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। ओए, जाके से खड़ी की, पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है, तूने यहां गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र का लेंस अब पश्चिमी एशिया पर करते हैं। यहां बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि अगर इजराइल और हिजबुल्ला में इस तरह तनाव बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से इसका असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है। तो आज दोनों के बीच टेंशन पर लेटेस्ट अपडेट यह है कि पेजर स्ट्राइक के बाद बदले की आग में जल रहे हिजबुल्ला ने इसराइल पर बीते 24 घंटे में 250 रॉकेट और मिसाइल अटैक किए, और इसराइल ने जवाब में गाजा के जैसे सीधे सीधे बेरूत पर बमों की वर्षा कर दी है। अब वहां से भी गाजा की तरह चीख पुकार सुनाई दे रही है और कई मौतों की जानकारी सामने आई। इसराइल कल तक हिजबुल्ला पर अटैक के लिए ज्यादातर लेबनान के बॉर्डर वाले हिस्से को टारगेट करता था, लेकिन आज उसके F-35 फाइटर जेट्स बेरूत तक पहुंच गए और वहां जो बम वर्षा की तो लेबनान के लोगों को गाजा वाली तबाही याद आ गई। ठीक उसी तर्ज पर बैक टू बैक एयर स्ट्राइक से पूरा बेरूत दहल उठा। इसराइल का दावा है कि उसके दो मिसाइल अटैक में टारगेट हिजबुल्ला का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील था, लेकिन इस हमले में कहा जा रहा है कि 5 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हुई है। देखा आपने यह हालात, यकीन मानिए हमें बहुत परवाह है मिडल ईस्ट की।